हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डे इन माय किचन। तो मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे स्कूल टिफिन की तैयारी कर ली है। भिंडी की सब्ज़ी बना ली है, पराठा बना लिया। ये तो मेरी बेटी का फेवरेट टिफिन है, भिंडी रोटी। जिस दिन भी देती हूँ वो फिनिश करके आती है पूरा का पूरा। फिर आज रात में मैं किनुआ का डोसा बनाने वाली हूँ, इसलिए फिर मैं मॉर्निंग में ये भिगो के रख रही हूँ। मॉर्निंग में भिगो रही हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ बाद में, भिगोना बिल्कुल याद ही नहीं रहता है। तो मैंने एक कटोरी में 1.5 कटोरी किनोआ लिया है, और सेम कटोरी से मैंने छिलके वाली उड़द दाल ली है 2.5 कटोरी, मतलब ये टोटल 4 कटोरी है। और किनोआ में जो आउटर लेयर रहता है वो थोड़ा कड़वा रहता है, इसलिए इसको काफ़ी अच्छे से धोना पड़ता है। तो इसलिए मैंने उसको 3-4 बार अच्छे से पानी में धो के क्लीन वाटर में भिगो के रख दिया है, और उड़द दाल को भी मैंने धो के भिगो के रख दिया है। फिर यहाँ पे मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ गिलकी की सब्ज़ी। तो इसके लिए मैंने मूंग दाल ली है, गिलकी ली है, मिर्ची और लहसुन लिया है। कई लोग इसको मतलब छिलके के साथ भी बनाते हैं, बट मुझे नहीं पसंद छिलके के साथ इसको बनाना, इसलिए मैं छिलके निकाल ही देती हूँ। और ये मूंग दाल मैंने 1 घंटे पहले भिगो के रख दी थी, क्योंकि इस सब्ज़ी में मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालने वाली हूँ। और ये जो गिलकी रहती है बहुत ज़्यादा वाटरी वेजिटेबल, इसमें बहुत ज़्यादा पानी छूटता है, तो उसी पानी में ये मूंग दाल पक के आ जाएगी इजीली। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है, लहसुन मिर्ची डाली है। जब वो अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो मैंने ड्राई स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, और फिर मैंने मूंग दाल ऐड कर दी है, और उसमें मैं गिलकी ऐड करके पकने दूंगी इसको अच्छे से। गिलकी तो जल्दी से कुक हो जाती है, बस मूंग दाल का ही मुझे चेक करना है। तो वही मैंने थोड़ा 15-20 मिनट बाद देख लिया था मूंग दाल को कि वो अच्छे से हो गई है कि नहीं। फिर मैंने यहाँ पे ब्रोकोली बॉईल करने के लिए रखी है। ब्रोकोली को भी मुझे फिनिश करना था, क्योंकि बाद में वो येलोइश हो जाती है, तो कोई मतलब नहीं बाद में बनाने का, इसलिए फिर मैं आज ही बना ले रही हूँ उसको। और साथ में मैं आलू मेथी की भी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने मेरे कास्ट आयरन वाले पैन में जीरा डाला है, उसके बाद मैंने आलू डाल दिए, और उसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड कर दूँगी सब, और ऊपर से मेथी डाल दूँगी और मिक्स नहीं करूँगी। फिर ढक के इसको पकने दूँगी, और थोड़ा 5 मिनट बाद मेथी भी श्रिंक हो जाएगी, तो दोनों को फिर मिक्स करके अच्छे से पकने दूँगी। फिर आज मैं ब्रोकोली की अलग डिश बना रही हूँ। मेरे पास दही जो मैंने लाया हुआ था फास्टिंग में, एक बचा था, और उसकी एक्सपायरी डेट आज की ही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो ब्रोकोली का मैं टिक्का टाइप बनाऊँ, जैसे पनीर टिक्का रहता है। तो मैंने दही ले लिया है, उसमें अदरक लहसुन कूट के डाला है। फिर मेरे पास तंदूरी मसाला भी था, नहीं तो हम गरम मसाला भी डाल सकते हैं। फिर मैंने धनिया पाउडर डाला है, जीरा पाउडर डाला है, लेमन डाला है, ऑयल डाला है, सॉल्ट डाला है। फिर ये सबको मिक्स करके और मैं ब्रोकोली को कोट करके रख दूंगी। और हाँ, मैंने इसमें लेमन भी डाला है, और मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी कुछ देर के लिए। यहाँ पे अब मैं आलू मेथी की सब्ज़ी भी चेक कर रही हूँ हो गई कि नहीं आलू दबा के, तो वो भी हो ही गई थी मेरी सब्ज़ी। फिर मैं यहाँ पे ब्रोकोली को सॉटे कर रही हूँ। मैंने उसको अराउंड 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। फिर मैंने पैन में तेल डाला है, और सारी ब्रोकोली को मैं हाई फ्लेम पे उसको मतलब कुक ज़्यादा नहीं करना है, मैंने बॉईल किया था उसको 5 मिनट के लिए। तो बहुत ज़्यादा ही यम्मी बनी थी, मुझे तो काफ़ी पसंद आई थी। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। तो आज इवनिंग में मैं मेरी बेटी को ये पैनकेक बना के दे रही हूँ। मैंने तो कभी लिया नहीं खुद से, मेरी दीदी रख के चली गई थी, वो उसके बेबी को हमेशा देती रहती है पैनकेक। तो इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे थे कि इसमें सिर्फ दूध ऐड करना है और बटर ऐड करना है, ऐसा लिखा हुआ था। तो मैंने उसमें 1 चम्मच घी डाल दिया था, और फिर तवे पे मैंने घी लगा के छोटे छोटे पैनकेक्स डाल दिए, और इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है। तो फिर जब एक साइड से वो अच्छे से कुक हो जाएगा तब फ्लिप कर लेना है। तो इसमें शायद चोको चिप्स भी है, और कुछ तो बनाना फ्लेवर भी है, क्योंकि जब ये बनता है तो ऐसा लगता है कि केक बना रहे हैं। मेरी बेटी जब बहुत छोटी थी तो शायद मैंने तब बनाया था पैनकेक 1-2 बार, मतलब स्क्रैच से, मतलब बनाना वगैरह डाल के, ये प्रीमिक्स से नहीं। तो मैं अभी फिर से ट्राई करूँगी, क्योंकि वो कार्टून देख के काफ़ी बोलती रहती है मुझे पैनकेक्स खाना है, पैनकेक्स खाना है। मैंने जो मॉर्निंग में भिगोया था वो अच्छे से फूल गया था, तो अब मैं इसको मिक्सर में पीस लूँगी। तो मैंने इसके साथ लिया है लहसुन, अदरक, मिर्ची, जीरा, और ये दोनों को मैंने स्ट्रेन कर लिया है। ये देखिए बैटर अच्छे से बन गया है,
और इसको फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं रहती है, हम डायरेक्टली डोसा बना सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल वाले डोसा बैटर को फर्मेंट करना पड़ता है हमें रात भर, इसलिए फिर ये मैं डिनर में काफ़ी टाइम बना लेती हूँ और ये काफ़ी हेल्दी भी रहता है। नमक डाल के मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। फिर मैं यहाँ पे अब छोटे छोटे डोसे बना रही हूँ। सबसे पहले मेरी बेटी के लिए, उसको छोटा ही साइज़ का डोसा चाहिए रहता है, वो ये डोसा ऐसे ही खा लेती हूँ क्योंकि वो वैसे ही यम्मी लगता है। और वो भी साइड में बैठी हुई है और खाती भी जा रही है, खेलती भी जा रही है, बट मुझे काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि ये कास्ट आयरन वाला पैन बहुत ज़्यादा ही गर्म रहता है, एकदम ठीक है और एकदम गर्म रहता है, तो केयरफुल रहना पड़ता है बच्चों के। तो मैं इतना प्लेटफॉर्म पे उसको बिठाती नहीं हूँ, बट कभी कभी वो काफ़ी ज़िद करती है। फिर हमारे लिए मैंने डोसे बना लिए और मूंगफली की चटनी बना ली थी। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।